तो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस के सारे ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा। ये स्मार्टफोन कैसा दिखता है, क्या क्या स्पेक्स देखने को मिलेंगे, किस प्राइस पे लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आपको इस स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब चीज अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, कल रात को दोस्तों ओप्पो का लॉन्च इवेंट था जहां पर ओप्पो रेनो 5, ओप्पो रेनो 5 प्रो, ओप्पो का स्मार्ट वॉच, ओप्पो एको एक्स, ये सब प्रोडक्ट्स दोस्तों कल लॉन्च हुए थे। और कल रात को ही दोस्तों डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको सब कुछ बता चुका हूं, प्राइस, अवेलेबिलिटी, स्पेसिफिकेशन, इंडिया में कब लॉन्च हो गए, सब चीज अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। ऊपर आई बटन भी क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। और आई बटन के सारे वीडियोज को चेकआउट करो, बहुत अच्छे वीडियोज बनाता हूं, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों मैं जल्दी से सारे स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ, फिर आखिर में अपने ओपिनियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस में 6.55 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। HDR 10 प्लस को सपोर्ट करता है और 402 का PPI देखने को मिल जाता है और 500 nits का आपको टिपिकल ब्राइटनेस देखने को मिलता है। अगर दोस्तों बात कर लें कैमरास के बारे में, तो कैमरा सेटअप यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया गया है, कैमरा सेटअप और अच्छा यहाँ पर है। ये दोस्तों कैमरास के मामले में और आगे निकल जाता है और अच्छे फोटोज क्लिक कर सकता है। 50 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप रहेगा। जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा, वहाँ पर सोनी IMX766 का सेंसर देखने को मिलेगा जो पहली बार इस स्मार्टफोन के साथ डेब्यू करेगा। अगर दोस्तों सेल्फी की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा पंच होल डिस्प्ले के साथ, जो वाइड एंगल लेंस रहेगा और पंच होल काफी छोटा रहेगा। अगर बैटरी सेशन की बात करें तो 4500 mAh का बैटरी रहेगा, 65 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको कॉलकॉम का फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलेगा, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 865 जो 7 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। एड्रीनो 650 का GPU देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग करोगे, कोई भी लैग नहीं होगा और काफी फास्ट स्मार्टफोन वर्क करेगा क्योंकि फ्लैगशिप प्रोसेसर है। तो डे टू डे लाइफ में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे टास्क को आराम से कर देगा स्मार्टफोन में। दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि फ्लैगशिप प्रोसेसर है और ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की मेरे को जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों थोड़े और स्पेक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको UFS 2.1 का स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगा, LPDDR4X RAM भी रहेगा और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ भी आता है। अगर दोस्तों डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन बिल्कुल रेनो 5, रेनो 5 प्रो से मैच करता है। बस कैमरा हाउसिंग में थोड़े एक्स्ट्रा कैमरा सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, अदरवाइज दोस्तों बहुत मुश्किल से पहचान पाएंगे कि ये रेनो 5 है, ये रेनो 5 प्रो है और ये रेनो 5 प्रो प्लस है। कोने से स्क्रीन मुड़ा रहेगा याद रखिएगा, और रेनो 5 प्रो का भी कोने से स्क्रीन मुड़ा हुआ है, कर्व डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले वाइज और दोस्तों स्मार्टफोन का जो डिजाइन है वो काफी कुछ मैच करता है, यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन या फिर कलर चेंज करने चाहिए थे। अगर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आगे भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, पीछे भी आपको ग्लास बैक दिखाई देगा जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ आता है। कैमरा हाउसिंग में जो लेंस लगा है वो भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ आता है और एल्यूमिनियम फ्रेम आपको देखने को मिल जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर स्मार्टफोन आपको काफी ड्यूरेबल देखने को मिलता है, बिल्ड वाइज काफी अच्छा स्मार्टफोन है ये। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन 24 तारीख को लॉन्च हो जाएगा, ऑफिशियल पोस्टर्स आ चुके हैं। और दोस्तों अगर प्राइस की बात कर लें तो अकॉर्डिंग टू लीक्स ये स्मार्टफोन आपको 45,000 से लेकर 48,000 के रेंज में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। ये लीक प्राइस है तो हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए, लेकिन आपको 45,000 रुपए के आसपास लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आपको इस स्मार्टफोन को परचेस करने के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखो यार, सबसे बड़ी बात, ओप्पो रेनो 5 सीरीज में अगर आपको कोई स्मार्टफोन परचेस करना है तो आप ओप्पो रेनो 5 परचेस करो, नहीं तो डायरेक्ट ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस परचेस करो, ठीक है। रेनो 5 प्रो के चक्कर में मत पड़ना, आपको रेनो 5 प्रो प्लस अच्छे स्पेक्स दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों रेनो 5 प्रो प्लस को परचेस करना है, एक ही रीजन होगा, जब आपको ओप्पो का स्मार्टफोन चाहिए 45,000 रुपए के आसपास, अदरवाइज यहाँ पर आपको वन प्लस 8T देखने को मिल जाता है। अगर आपको ओप्पो का स्मार्टफोन चाहिए, फ्लैगशिप स्मार्टफोन चाहिए, तो उसको परचेस कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आपको ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस परचेस करना चाहिए। अगर रेनो 5 सीरीज में कोई स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो तो ओप्पो रेनो 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है, 30,000 रुपए में लॉन्च हुआ है, काफी अच्छे स्पेक्स आपको दे देता है। लेकिन रेनो 5 प्रो प्लस में आपको दोस्तों इतने अच्छे स्पेक्स देखने को नहीं मिलते हैं अगर 45,000 रुपए में लॉन्च होगा। लेकिन ओप्पो के प्रोस्पेक्टिव से 45,000 रुपए के स्पेक्स ठीक है अगर आपको ओप्पो का स्मार्टफोन चाहिए तो, अदरवाइज वन प्लस 8T ले सकते हो। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि ओप्पो रेनो 5 सीरीज इंडिया में कब लॉन्च हो सकता है। तो देखो यार, इसको लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन, रूमर्स, लीक्स कुछ भी अवेलेबल नहीं है।
फिर भी अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो आपको फरवरी के मंथ में लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है ओप्पो रेनो 5 सीरीज इंडिया में। देखो मैं अंदाजा लगा रहा हूं, मे भी थोड़ा जल्दी भी लॉन्च हो सकता है या फिर बाद में भी लॉन्च हो सकता है, लेकिन अगर इंडिया लॉन्च डेट से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन मालूम चला तो मैं आपको टेक न्यूज में तो अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों बस यही कुछ स्पेक्स थे ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस के। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो उसको तुरंत से लाइक कर दो, चैनल पे अगर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ओप्पो रेनो 5 सीरीज में कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा, रेनो 5, रेनो 5 प्रो या फिर रेनो 5 प्रो प्लस। मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं और शाम को 7:30 बजे टेक न्यूज भी देता हूं, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नई वीडियो में, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। जस्ट डू इट। You're tired of starting over. Stop giving up.